लद्दाख की बात करें तो कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन का मामला जो है वो लद्दाख में सामने आया, जहां पर लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी जो है वहां पर किए, मार्च भी जो है वो निकाली गई और एक तरह से यही आवाज जो है उठाने की कोशिश की गई कि जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का मामला जो है ये सामने आया है, इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तस्वीरों में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये मार्च जो है निकाली गई थी, लद्दाख की सड़कों की बात करें तो भीड़ जो है वहां पर देखने को मिली। लेकिन अब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की बात करते हैं, वो भी अब सामने आए हैं। उन्होंने एक नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसमें जो है कुछ ऐसे कदम जो है यहाँ पर उठाए जाएं ताकि जिस तरह का ये मामला जो है ये सामने आया है, उसमें अब जो जो वहाँ की जो है वो लड़की थी, उसे जो है एक तरह से वापस लाया जा सके ताकि वो अपनी फैमिली के पास जो है एक तरह से वापस आ सके। क्या कुछ पूरा मामला था और अब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने किस तरह से जो है, किस तरह की मांग जो है सामने रखने की कोशिश की है, इसी पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिगजिन जुड़ चुकी हैं। रिगजिन, हमें बताइए कि क्या कुछ ये पूरा मामला था और अब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे रिगजिन की जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो क्या उनकी तरफ से कुछ बयानबाजी सामने आई है? जी जी किया होगा, तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ये तभी साफ हो पाएगा जब कोर्ट जो है इस पे कार्रवाई हो रही है। और बाकी बुद्धिस्ट एसोसिएशन का ये मानना है कारगिल में ना रखे और अगर जानकर में भी उनको हैंडओवर करना चाहिए, क्योंकि ये जानकर बंदूक का केस है, जी तो वहाँ अगर हारमनी होती है तो उनका ये मानना है कि ले में कार्रवाई की जाए और लड़की को जो है अपने पेरेंट्स को हैंडओवर की जाए। जी बिल्कुल रिगजिन, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि तस्वीरों में कि किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मार्च निकालने की भी कोशिश की और कुछ मांग जो है वो रखी गई थी, लेकिन क्या उसके बाद कुछ और कदम जो है यहाँ पर उठाए गए? जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए रिगजिन। तो जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का मामला जो है एक तरह से सामने आया है लद्दाख से, जिस तरह से अब मांग यही की जा रही है कि या इसमें जो है एक फैसला इस तरह से लिया जाए कि लड़की को जो है उसके परिवार के पास जो है वो सौंप दिया जाए।